ना जाओ। अरे पता क्या कहती, कहती कल सुबह ही निकलना तुम लोग। बचा ऐसे तो अभी खराब हो जाएगी नोनू। अब तो इतने स्ट्रॉन्ग हो फिर ऐसे तो उतरते हो। लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि खुशी और मैं 3 दिन एक दूसरे से अलग रहने वाले हैं। बाय गाइस, बाय बाय बाय। बड़ा ध्यान रखना है। बड़ा ने बोला मम्मा को परेशान नहीं करना। ओके, और चीज लॉन्च करने वाले हैं हम लोग 4-5 दिन के अंदर। हम लोग ऑफिशियली एक पोस्टर लॉन्च करने वाले हैं। उस चीज को देख के आई थिंक बहुत सारे लोग सुपर एक्साइटेड हो जाएंगे। मुझे तो बर्गर किंग रख देना चाहिए तेरा नाम। गाड़ी पे गंदी होगी वो, इस कह रहे थे जो सोच रहे थे। खुश से मेरे लगातार बात हो रही, लगभग 25 बार फोन आ गया हम लोगों पर। राजा उसके पास है और कैसे ही चलेगा पूरा दिन, मतलब साले ऐसे कर करके सुबह 6 बजे से टाइम कर दिया आपने कि ना जाओ। अरे पता क्या कहती, कहती कल सुबह ही निकलना तुम लोग, सुबह ही जाना, ऐसे करती हो। लेकिन एक बात है ना, पहली बार लाइफ में 3 दिन हम लोग अलग रहेंगे, फर्स्ट टाइम एवर। रह लोगे फिर भी ना रह लोगे? रह लेगा फिर भी ना? ऐसे तबीयत खराब हो जाएगी नोनू। ऑलरेडी तबीयत खराब है बाबू, आके कहोगे तो मैं नहीं जाऊँगा। चलो छोड़ो, है ना, ऐसे जरूरी होता है बेटा, काम भी तो जरूरी है ना। देखो इतने टाइम से हम लोगों ने काम फंसा रखा है, ऐसे पूरा भी तो करना है वो, है ना। अब तो इतने स्ट्रॉन्ग हो फिर ऐसे तो उतरते हो। अपने बुग्गा को और सुनो मेरी बात। देखो मैंने इसीलिए तो आपकी फ्लाइट से कराई थी कि आप थके हुए हो, परेशान हो जाओगे, वरना अब आप बैठोगे मैं आपको वहीं मिलूंगा एयरपोर्ट पे पिक करने के लिए, ठीक है। वीके फैम को तो किसी प्लान का नहीं पता। सो गाइस, लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि खुशी और मैं 3 दिन एक दूसरे से अलग रहने वाले हैं। मैक्सिमम 1 रात अलग रहे हैं, उसका भी आप सब लोगों को पता है। तो आज मतलब हमारे लिए भी बहुत बड़ा टास्क है, और पता नहीं टाइम मतलब कैसे कटेगा, क्योंकि जब आप नहीं होती ना मेरी 1-1 मिनट बड़ी मुश्किल निकलती है। मुझे 1-1 मिनट का पता छोटा मोटा चीज खाने के लिए, अच्छी अच्छी चीज खिलाना इसको रास्ते में, नया पर्स भी लेके आना, फ्रूट भी लेके आना भाई के लिए ना, और टेंशन नहीं लेना है ना, और अच्छे से अपना ध्यान रखना है ना, मेडिसिन लेना टाइम से बुगा। देखो गाइज, मुझे निकलना तो सुबह 6 बजे, और उसने मुझे सुला दिया कह के कि बेटा सो जाओ थोड़ा सा वरना सुबह, मतलब इतनी ऐसी ऐसी बातें बताई कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और हाँ, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे गाड़ी के कुछ, लेकिन थैंक्स टू गॉड मिल गए हैं, तो आराम से अब हम लोग निकलते हैं। और शिफ्टिंग में पता नहीं सामान इधर का इधर हो गया कुछ सारा, तो अभी गाइज हम लोग निकलते हैं जल्दी से और फिर मिलेंगे वुका को भी। और हाँ, रास्ते में क्या भसड़ होने वाली है, क्या सब चीजें होने वाली है, आप लोगों को पता लगेगा आने वाले व्लॉग्स में। तो गाइज इस बीच हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग 2 व्लॉग करेंगे डेली, जिसमें कि खुशी यहाँ पे शूट करेगी जितना भी हो पाएगा, और रास्ते में मैं शूट करूंगा मुझसे जितना भी हो पाएगा। तो आने वाले 3 दिन 72 आवर्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, 2 व्लॉग डेली। सो कीप लविंग। 72 आवर्स विदाउट एक दूसरे के होने वाला है। लेकिन मुझे पता है यू आर वेरी स्ट्रांग, और ऐसी तो आदत पड़ती है ना। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी। मेरे पास तो चलो ड्राइव करूंगा मैं, तो मुझे तो मेरा ध्यान तो ड्राइव पर रहेगा। मैंने आज सोचा आज तो मैं जब दोनों फंक्शन की ड्रेसेस लेके आऊंगी, मैंने बोला भाई के लिए भी शॉपिंग कर लेना, तो मैं दीदी को लेके जाके, जिससे कि राजा भी होगा ना साथ में, दिक्कत नहीं, हम तीनों जाके शॉपिंग करके आएंगे। सो गाइस फिलहाल हम लोग निकलने लगे, सारा सामान हो चुका है सेट। बाय गाइस, बाय 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 आयुष भाई, बाय बाय, मिलते हैं ब्रो ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच ब्रो, चक दे फटे नब्दे के लिए नोनू। बड़ा ध्यान रखना है बच्चों, ध्यान रखना है, और मम्मा को यहाँ परेशान नहीं करना। ओके, बताओ क्या बोला डैडा ने पहले? डैडा ने बोला मम्मा को परेशान नहीं करना। ओके मेरा बच्चा, ये भी मेरी मम्मी। माचो इसको गेम खिलाते रहना, और उसको वो दिखा देना स्किबिडी टॉयलेट, ठीक है। बाय आज डैडा को वहां तक छोड़ के, आयुष भाई ध्यान रखना भाई, है ना। बाय बाय दीदी, बाय, ध्यान रखना है ना। बाय बच्चा, बाय राजा। लेकिन सही बात है यार, है ना, फैमिली के बिना कितना औखा है भाई। और खुशी और मैं तो भाई पहली बार रहेंगे लाइफ में, मतलब 72 आवर्स अलग, मतलब
तीन दिन कभी नहीं रहे भाई। तो गाइस सामान भरना कर दिया है चालू और हम लोग पीसी भी वापस लेके जा रहे हैं अगेन। रोज हम लोगों ने कुछ और प्लान किया है अभी, वो ये जो लाइव स्ट्रीमिंग वाला मेरे दिमाग में एंगल चल रहा था तो उसको अभी हम लोग करते हैं कुछ टाइम के लिए डिले। उससे पहले कुछ और चीज लॉन्च करने वाले हैं हम लोग। बहुत सारे वीके फैम जो जागरण पे अवेलेबल थे और जो राजा के बर्थडे पे थे उन्हें पता लग गया उसके बारे में, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की वेट है। तो बहुत जल्दी होपफुली 4-5 दिन के अंदर हम लोग ऑफिशियली एक पोस्टर लॉन्च करने वाले हैं। उस चीज को देख के आई थिंक बहुत सारे लोग सुपर एक्साइटेड हो जाएंगे, स्पेशली वीके फैम। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो तो बहुत सारे कमेंट्स करो, बहुत सारे मैसेज करो ऑन इंस्टाग्राम, तो मैं जल्दी से जल्दी उसका पोस्टर लाइव करूंगा। तो गाइज अभी ये निकले हुए हमें 1 घंटा भी नहीं हुआ था और लेकिन बच्चों को लग चुकी है भूख, तो वो लोग रुक गए हैं मैकडी और आप लोगों को इस ट्रेवल पे मैकडी बहुत दिखने वाला है बिकॉज शुभांशु हमारे साथ है तो उसको बर्गर बहुत पसंद है जो कि मैकडोनल्ड का बर्गर बहुत खाता है वो। तो मैकडी रुकते रुकते हम जाएंगे। यूजुअली मैं और खुशी ज्यादातर प्रेफर करते हैं खाना इनके साथ, तो मुझे लग रहा है खाना नसीब नहीं होने वाला। तो अभी शोर है शुभांशु दोनों गए हैं अपने लिए बर्गर और मेरे लिए शायद कॉफी लेके आएंगे। ट्रैवल स्टार्ट होते ही मेरे राजा से और खुशी से भी 2 बार बात हो गई जब से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट टाइम हम लोग अलग रह रहे हैं। तो मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि 2 बार हम लोग एक एक दिन के लिए रहे हैं, एक बार मेरे फूफा जी की तबीयत खराब थी तब और एक बार खुशी की दादी एक्सपायर हुई थी तब। तो मतलब ये 2 दिन हमारे लिए इतने अजीब थे कि मतलब हम लोग रह ही नहीं पाए एक दूसरे के बिना, क्योंकि हम लोगों को हैबिट इतनी होगी कि लास्ट 5 सालों में तो मतलब कब मेरे को टाइम निकल गया और हम रह ही नहीं पाए एक दूसरे के बिना। हमने कभी मतलब ऐसा टाइम ही नहीं आया कभी लाइफ में हमारी। तो आज बस मुझे उसी चीज के लिए बहुत डर लग रहा है कि कैसे रहूंगा, क्या सब चीजें होंगी, और जैसा भी फील करूंगा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। एंड आप लोग जब व्लॉग देखोगे बहुत सारा शेयर करना, व्लॉग को बहुत सारा प्यार करना, क्योंकि आप लोग मोटिवेशन हो, आप लोग इश्क हो मेरा। तू अभी से ही ऐसे क्यों गए, जैसे उल्टी कर देगा बता कितनी देर होगी हमें चले हुए यार, मतलब इसकी तबीयत ना, मतलब गाड़ी में बैठते पता नहीं इसको, इसने पहले से फील कर लिया कि हम लोग 27-28 घंटे ट्रेवल करने वाले हैं, तो उस वजह से उसको लग गया ज्यादा ये पता नहीं क्या सीन हुआ है, मतलब पैनिक सा फील कर रहा है। लास्ट टाइम जब कि मेरे साथ आया था थार से यही खुशी और मैं, हम तीनों जब तो बड़ा रिलैक्स आ गया, लेकिन इस बार बैठती गाड़ी में कहने लग गया कि भैया पता नहीं मेरा तो मन खराब हो गया, शायद इसने लैपटॉप और मोबाइल यूज करा, शायद इस वजह से हुआ होगा, बाकी देखते हैं अभी। ये देखो इतना एक्साइटेड रहता है हमेशा, बर्गर के नाम का कभी पीछे नहीं रहता भाई। मुझे तो बर्गर किंग रख देना चाहिए तेरा नाम। बर्गर है ना, प्राइस है। बर्गर नहीं थे, झूठ बोल रहा है। आगे खाऊंगा। इट इज कॉल्ड फ्राई यार। साला मुझे बोलता बर्गर नहीं था, धोखेबाज। बहुत देर से चले गए, 6 घंटे चलना भी बहुत बड़ी बात है, 6 घंटे चल के ब्रेक लेना भाई। बीच में जाम आ गया ना, मैं सोच रहा था थोड़ा टूट गए हम, वापस चलने टूट गए, दोबारा आएंगे अगली हिम्मत करके। फिलहाल हम लोग फर्स्ट टाइम डीजल कराने लग गए भाई, ऑटो कट कर दे मेरे फुल। नाइट्रोजन वगैरह का नहीं है कहीं आस पास? हवा है इधर नहीं, लेकिन वो सादा है। क्या सादा है? सादा डलवा लूं? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी फिर? सो गाइस फिलहाल डीजल होने लग गया है। मुझे टायर में जो एयर की प्रॉब्लम लग रही थी, तो हम लोग आ चुके हैं नाइट्रोजन कराने के लिए, एयर फुल करा लेते हैं फिलहाल टायरों में। वो वाला टायर बैठा हुआ है बिल्कुल, देखो आप लोग, ये ऑफ रोडिंग के लिए तो ठीक है इतना, लेकिन जब अपन हाईवे पे चलते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो फिलहाल सब सेट चल रहा है, माहौल ऑल ओके है और मज़ा आ रहा है फुल। सो गाइज हम लोगों ने लिया है अपना 2nd स्टॉप अभी, जो हम लोग हैं गुजरात में हैं और अगेन हम लोग रुके हैं मैकडी। पीछे आप लोग मेरे देख सकते हो, सामने मैकडी रुके हैं हम लोग और शुभांशु गया है दोबारा से। मतलब इसने मुझे कन्वेंस कर लिया एट लास्ट कि मतलब मैक कैफे पे चाय मिलती है बहुत टेस्टी, उसे ट्राई करो, तो वो चाय लेने गया। दूसरी चीज, इस शॉट को सिर्फ मैं इसलिए ले रहा हूँ कि जैसे मैं घर से निकला ऑलरेडी मैं खुशी को राजा को इतना मिस कर रहा था, सबको इतना मिस कर रहा था, तो एकदम से मैक कैफे दिखा मुझे और मैक कैफे पे कुकी मिलती है, खुशी को बहुत पसंद है, तो अगर वो यहाँ पे मिली तो मैं लूंगा, एक्स्ट्रा लूंगा उसके लिए रखूंगा, जिससे कि जब वो दिल्ली आए तो उसको दे पाऊं मैं, अभी नहीं बताऊंगा। एंड मतलब मुझे खुशी के लिए छोटी छोटी चीजें करके बहुत अच्छा लगता है, जब मतलब वो देखती है उसको अच्छा लगता है ना। एक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक कपल में एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ बॉय एज अ गर्ल, कि आप अपने पार्टनर को अच्छा फील कराओ, स्पेशल फील कराओ, दैट्स व्हाई मतलब उसको ये छोटी छोटी चीजें बहुत पसंद है। अगर मैं उसके लिए ट्रस्ट में कोई गोल्ड की चीज भी लूंगा ना, वो शायद उसको इतना खुश नहीं करेगी जब मैं उसके लिए कोई छोटी चीज करूंगा। उसको एक कुरकुरे आते हैं मार्केट में, शायद वो चुलबुले के नाम से आते हैं क्या, वो उसको बहुत पसंद है, तो जब भी मैं उसके लिए वो लेके जाता हूँ। उम्र देखो कितनी है यार, किसी का फोन आ रहा है भाई, राउंड 2।
तो गाइज फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अहमदाबाद, रोटी की तलाश में हम लोग रुके हुए हैं फिलहाल, और शुभांशु का मन बर्गर का कर रहा है बर्गर का, अब तो थक गया बर्गर से तो गाइज अभी हम लोग खतरे कहीं रुके खाना खा लेते हैं, और फिलहाल हम अहमदाबाद में। लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, वीके फैम को स्पेशली, जैसे जितने भी लोग अहमदाबाद से हैं जो सिर्फ व्लॉग को देख रहे हैं, फिलहाल मैं पता नहीं अहमदाबाद में किस जगह खड़ा हुआ हूँ एक बार थोड़ा सा, लेकिन आप लोगों को अगर कुछ दिख गया बता देता हूँ। ये वेद मेडिकल हॉस्पिटल, PED वेद मेडिकल हॉस्पिटल है। तो हम लोग यहाँ पे हैं, और जितने भी लोग वीके फैम देख रहे हैं, मेरा बहुत मन करता है कि मैं आप लोगों से मिलूं, आप लोगों से बहुत सारी बातें करूं, क्योंकि जहाँ हम लास्ट टाइम मैकडी पे रुके थे वहाँ पे बहुत सारे वीके फैम मिले थे, तो मुझे ऐसे रहता है कि यार कैसे मैं कनेक्ट करूं, क्योंकि अगर मैं मान लो अगर टाइम डाल दूंगा इस टाइम, क्योंकि टाइमिंग मैच नहीं हो पाती, फिर बहुत सारी फैमिलीज है, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लड़के छोटे बच्चे हैं लड़के हैं जो मैं फॉलो करते हैं, तो फिर मुझे रहता है अजीब सा हो जाता है, जैसे अभी रात के 11:44 मतलब 11:45 बज रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है अनसेफ सा हो जाता है बहुत ज्यादा। लेकिन मेरा मन यार इतना करता है आप लोगों से मिलने का कि आप लोगों से मिलूं, आप कितना प्यार करते हैं हम लोगों को, सबसे मिलूं। लेकिन कोई बात नहीं, कभी ऐसा जरूर करेंगे 100% की ऑल ओवर इंडिया टूर करेंगे, मीटअप्स करेंगे, बहुत सारा प्यार वीके फैम के साथ शेयर करेंगे, बहुत सारी अपनी चीजें हैं जो वीके फैम के साथ शेयर करेंगे। तो अभी निकलते हैं खाना खाते हैं, एंड आप लोगों को मिलते हैं सीधा होटल में। गाइस फिलहाल हम लोग आ चुके हैं होटल हाईवे, और खाना खाएंगे चल के अब जल्दी से अंदर, और बाकी आप लोग अंदर मिलते हैं। गाइस गाड़ी इतनी साफ सुथरी करा के लेके आए थे, फुल गंदी हो चुकी है फिलहाल तो, क्योंकि ना प्रॉपर बारिश मिल रही रास्ते में, ना गंदा मिल रहा, ना सूखा मिल रहा, पास से आप लोगों को देखो क्या हालत हो गई गाड़ी की। गाड़ी चलते हैं खाना खा लेते हैं। हाय हाय हाय, छी 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 छी, गाड़ी पे गंदी होगी वो इस कह रहे थे, जो सोच रहे थे ना ना बारिश मिल रही ना साफ मिल रहा क्या है। सो गाइस फिलहाल हम लोग रुक चुके हैं खाना खाने के लिए, और चारों तरफ मैं देख रहा हूँ इंडिया का झंडा और इंडिया का फ्लैग। आज थी 15 अगस्त, तो आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत 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 मुबारकबाद सभी लोगों को। यहाँ पे हर तरफ तिरंगा 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 दिखाई दे रहा है। खाना आ चुका है हमारे पास, वो हमारी किस्मत अच्छी है कि लास्ट मोमेंट पे हम लोग रेस्टोरेंट में पहुंचे, मतलब लाइक यहाँ पे, क्योंकि रात को बंद हो जाते हैं, मुझे अभी पता लगा लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे मुझे ऐसा मतलब क्लीन हुआ, क्योंकि हम लोगों ने दिन दिन में ट्रैवल किया था। लेकिन अभी क्या है, नेक्स्ट गोड की खाना यहाँ पे मिल गया, अब खाना खाते जल्दी निकलते हैं, और होपफुली हम लोग यहाँ से 2 घंटे में, ऑलमोस्ट कम में 2 घंटे के अराउंड हम लोग यहाँ से उदयपुर पहुंच जाएंगे। और उदयपुर पहुंचते हम लोग सुबह में कुछ, मुझे पहले लग रहा था 6:30 बजेंगे, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, 5 बजे के अराउंड जल्दी से पहुंचेंगे। वहाँ पे होटल लेंगे, होटल लेके स्टे करेंगे, स्टे करके दोपहर तक दबा के सोएंगे, फिर कल की तरह ट्रैवल स्टार्ट करेंगे। और खुश से मेरे लगातार बात हो रही, लगभग 25 बार फोन आ गया हम लोगों को, 25 बार बात हो चुकी है, राजा ने एक से एक मस्ती लगाई हुई है, वो आप लोगों को ब्लॉग में दिखी जाएगा दूसरे ब्लॉग में जो शाम को आएगा, सो उसके लिए भी स्टे ट्यून, काफी मजा आने वाला है। भाई सही सब मामला सेट, लेकिन ट्रैवल का पता लगा अब तक पता लगा ट्रैवल। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं उदयपुर, और हम लोगों ने चेक इन कर लिया होटल में। ये है हमारा रूम, बड़ा प्यारा सा रूम है। तो इस रूम में विंडो है बाहर, जो कि हमारी गाड़ी नीचे दिख रही है, आप लोगों को दिख रही होगी ये खड़ी है। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि रोड व्यू है, इसीलिए लेना था ऐसा होटल, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा मसला उदयपुर में लास्ट टाइम भी हमें आया था पार्किंग का, कि पार्किंग रोड के ऊपर होती है तो थोड़ा डर रहता है गाड़ी का, आप लोगों को पता ही है। तो इसलिए मुझे था कि पार्किंग ऐसी जगह मिल जाए कि मसला ना हो। प्लस खुशी से मेरी बात हुई थी, और बेचारी बात करती करती मुझसे सो गई, मतलब बोल के मुझे कि भाई मैं 5 मिनट फोन करती हूँ, जैसे लेंसेज वगैरह निकाले तो उसको नींद आ गई शायद, तो जाके सो गई। और अब ऐसा लग रहा है कि यार राजा उसके पास है, और कैसे ही चलेगा पूरा दिन, मतलब हिम्मत है यार उसकी कि उसने पूरे दिन से मैनेज कर लिया, और अब मेरे लिए आएगी सबसे बड़ी दुख की घड़ी की मुझे यार उन लोगों के बिना रहना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि राजा मस्ती करता करता सो जाता है, कभी पेट पे बैठता है, कभी सर पे चढ़ जाता है। तो आज उसको मैंने पूरा दिन इतना मिस किया ना, मतलब जब से मैं चला हुआ हूँ घर से, और अभी स्पेशली रात को उसकी और मेरी इतनी मस्ती चलती है बैठ के ऊपर कि आप मैं आपको बता नहीं सकता राजा के साथ। तो अभी ऐसा है कि आज तो अब सोऊंगा, कल फिर पूरा दिन ड्राइव करनी है, कल का दिन पता नहीं फिर अलग होने वाला है, उसके बाद कल फिर ड्राइव करेंगे, उसके बाद 17 परसों फिर खुशी 18 को निकलेगी यहाँ से दिल्ली के लिए, और आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। 2-3 दिन बाद मिलने का एक्साइटमेंट मुझे पता नहीं कैसा होगा, बहुत दिनों बाद, मतलब फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा हो रहा है कि हम लोग अलग रह रहे हैं, मतलब अजीब ही फीलिंग है भाई। थक इतना गया हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता, और आज हम लोगों ने ड्राइव करी ऑलमोस्ट गाड़ी, अगर हो सकता है तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा फोटो क्लिक करके। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट ड्राइव करी आज कार लगभग आई थिंक 650-700 किलोमीटर, बाकी सब सेट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइज, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल।